आइसक्रीम हम सबको बहुत पसंद है। आइसक्रीम का नाम सुन के बच्चा हो चाहे बूढ़ा, हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन आइसक्रीम खाने वाले ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि आइसक्रीम की इन्वेंशन कब हुई थी, आइसक्रीम को इन्वेंट किसने करा था। और ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें मज़े के लिए भी पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा आइसक्रीम की टाइमलाइन के सफर पर। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा नाम है ओशो और आप देख रहे हो ज्ञान का अड्डा। हमारी गाड़ी का पहला स्टॉपेज है 500 BC पर्शियन। जब पर्शियन समर के दौरान पर्शियन लोग स्नो में फ्रूट और हनी मिला के खाया करते थे। ये बेसिकली उनको गर्मी में ठंडक का एहसास देता था। वैसे देखा जाए तो ये आज की आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन यही आइसक्रीम का पहला रिकॉर्ड माना जाता है। अगर इससे पहले आइसक्रीम बनी थी तो वो हमारे पास रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है। गाड़ी का सेकेंड स्टॉपेज है 350 BC, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट स्नो में हनी और वाइन मिलाकर खाया करता था। ये चीज उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी। हमारी गाड़ी अब आगे बढ़ती है और अगले डेस्टिनेशन उसका 200 BC चाइना। जब चाइनीज रॉयल्स लोग एक डेजर्ट खाते थे, क्योंकि चाइना में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। बेसिकली इस डेजर्ट में वो स्नो में राइस मिलाते थे और मिल्क मिलाते थे और उसको फिर वो खिलाया करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी चाइना में। अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। अरे अरे, ये कहाँ रुक गए हम? हम रुके हैं 37 to 63 AD में रोम में। बेसिकली उस समय रोम के फोर्थ एम्परर नीरो आइसक्रीम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। स्नो में वाइन, फ्रूट जूस और हनी मिला के खाया करते थे। लेकिन उनको ये चीज़ इतनी पसंद थी कि वो बहुत सारे सोल्जर्स को माउंटेन्स पे भेजते थे स्नो कलेक्ट करने के लिए। अब हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि अब हम जाने वाले 800 to 1000 AD मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में कितनी गर्मी पड़ती है ये बात हम सबको पता है। मिडिल ईस्ट की गर्मी को मिटाने के लिए मिडिल ईस्टर्न लोग एक फिक चीज़ खाया करते थे। वो बेसिकली स्नो में फ्रूट्स मिलाते थे, ड्राई फ्रूट्स मिलाते थे, चीनी मिलाते थे और मिल्क मिला के वो खाया करते थे। ये आइसक्रीम हमारे आइसक्रीम से थोड़ी सी रिलेट करती है, और यहीं से असल में आइसक्रीम में शुगर मिलने शुरू हुई। फिर 13th century में नेरो पोलो जब अब चाइना के सफर पर गए थे, तो वहाँ से लौटते वक्त वो चाइनीज आइसक्रीम की रेसिपी लेके आया यूरोप में। अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है और हमारी गाड़ी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है 16th century इंडिया में। 16th century के इंडिया में कुल्फी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। बेसिकली लोग पाइप में मिल्क मिलाते थे, क्रीम मिलाते थे, ड्राई फ्रूट मिलाते थे और उसको स्नो में जमने के लिए छोड़ देते थे। कुल्फी उस समय में मुगल एम्पायर्स को भी बहुत पसंद थी। कुल्फी आज भी कितनी फेमस है इंडिया में ये बात हम सबको पता है। 16th century में ही जब किंग चार्ल्स ने पहली बार आइसक्रीम खाई तो उन्हें आइसक्रीम से प्यार हो गया और उन्होंने बहुत ही सारे पैसे उस पर्सन को दिए जिसने उनको आइसक्रीम खिलाई। तो हमारे साल दस साल बीतते रहे। अब हमारी गाड़ी पहुँची है 1851 अमेरिका में। दुनिया की सबसे पहली आइसक्रीम फैक्ट्री भी अमेरिका में खुली थी 1851 में। 1896 में दुनिया के सामने कोन का कॉन्सेप्ट आया। फिर 1897 में ही आइसक्रीम स्कूप को पेटेंट करवाया गया। अब हम पहुंचे हैं 1945 वर्ल्ड वॉर टू के बाद। वर्ल्ड वॉर टू की विक्ट्री को अमेरिकन्स ने आइसक्रीम खाकर सेलिब्रेट करा। उस साल आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। साल दर साल बीतते गए और आइसक्रीम नए नए फ्लेवर्स के इंट्रोड्यूस होते गए। नए नए कंपनीज आते रहे और नए नए फ्लेवर्स को लाते रहे। अगर हम कंक्लूजन पर पहुँचें कि आइसक्रीम को किसने बनाया, तो ये बात कहना मुश्किल होगी, क्योंकि आइसक्रीम एक पर्सन ने नहीं बनाई। क्योंकि अगर अर्बन्स उसमें मिल्क शुगर नहीं मिलाते या चाइनीज उसमें मिल्क नहीं मिलाते, तो शायद आज की हमारी आइसक्रीम ऐसी नहीं होती। तो ये बात कहना कि इस सन में आइसक्रीम बनी थी और इस जज ने बनाई, ये चीज़ गलत होगी। अब जानते हैं कुछ आइसक्रीम के फैक्ट्स। अमेरिका में जुलाई मंथ को आइसक्रीम मंथ माना जाता है। इस पूरे मंथ के दौरान आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है अमेरिका में। एक थर्ड संडे को तो आइसक्रीम डे मनाया जाता है। इस दिन डिमांड तो ऑल टाइम पीक पे होती है। एक आइसक्रीम कंपनी है बेन एंड जेरी, वो बहुत सारे फ्लेवर्स को मार्केट में लाती है। अब हर फ्लेवर्स तो मार्केट में चलते नहीं है, तो जो फ्लेवर्स चलते नहीं हैं उनको बंद कर देती है, लेकिन उनको एक ट्रिब्यूट देती है। वो बेसिकली उन्होंने एक कब्रिस्तान बना रखा है जहाँ पर उसके उन्होंने उस फ्लेवर की कब्रें बना रखी हैं, और वो जो फ्लेवर बंद हो जाता है उस फ्लेवर की नई कब्र बनवाती है और इस तरीके से वो ट्रिब्यूट देती है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले फ्लेवर्स हैं वेनिला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ भी नया सीखने को मिला तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।